ये देखो नाग चंपा, ये देखो कितनी ग्रोथ हो चुकी है बारिश की वजह से, कितने फ्लावर्स आ चुके हैं इसमें। ये हम भगवान को चढ़ाने के लिए इसके फ्लावर्स तोड़ते हैं। देखो ये अभी भी मैंने तोड़ के भी ये इतने बचे हुए हैं अभी फ्लावर्स। देखो ये वाले बहुत ही टॉल हो गया है नाग चंपा। मेरे पास ऐसे दो नाग चंपा के प्लांट्स है। देखो ये वाला कितना ग्रोथ हो चुकी है उसकी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये जो है ये अनंत का, अनंत गंधराज, गंधराज का प्लांट है ये मेरा। देखो इसकी भी कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो चुकी है, आप देख सकते हो कितना ग्रोथ हो चुका है ये। वेरी नाइस, देखो देखो ये, देखो ये गंधराज, इसको भी बहुत कली आ चुकी थी, लेकिन अब इसका सीजन नहीं है। जब इसका सीजन था तो उसको पाँच पाँच छः छः फ्लावर डेली आते थे। अभी इसकी ग्रोथ चालू हो गई है बारिश की वजह से, बहुत अच्छी ग्रोथ चालू हो गई है इसकी। ये देखो ये नाग चंपा हमारा, ये देखो अभी इसको फ्लावर्स आए थे, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए हमने ये, मेरी बेटी ने सुबह सुबह उसको तोड़ दिया था। देखो ये वाला, इसकी भी ग्रोथ बहुत बड़ी हो चुकी है बारिश की वजह से। देखो ये कितना टॉल हो चुका है ये वाला। ये जो है ये मेरा मीठा नीम का है, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं इसको। ये वाला देखो कितनी ग्रोथ हो चुकी है उसकी, अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो चुकी है। ये देखो मीठा नीम, इसकी बहुत हाइट बढ़ गई थी, लेकिन हमने वो कट कर दिया है। आजू बाजू वाले लोगों को भी, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको, हमने सबको ये मीठा नीम की जब कटिंग की तो सबको हमने, पड़ोस वालों को ये मीठा नीम दे दिया। हमारे घर के लिए भी रखा और पड़ोस वालों को भी दिया है। ये वाला देखो, ये वाला जो है हमारा, ये दूसरा, ये वाइट कलर का, इसको प्रदोष फूल बोलते हैं। भगवान शिव को इसके फ्लावर्स बहुत पसंद है। भगवान शिव को इसको, इसके फ्लावर्स भगवान शिव को चढ़ाए। ये देखो ये भी कितना अच्छी तरह से इसका, ये भी कितने अच्छे से वाइन बन गई है इसकी, बहुत बड़ी। हमने वो हमारा जो कंपाउंड है इसमें डाल दिए हमने, देखो वो। अब ये जो है ये मेरे हिबैकस, ये देखो रेड वाला हिबैकस, ये देखो कितना अच्छा प्लान से, ये वाला देखो, देखो ये बहुत अच्छी तरह से उसको, बहुत ही भगवान को चढ़ाने के लिए एक सुबह सुबह मेरी बेटी ने इसके बहुत से फूल तोड़े, लेकिन अभी भी इसके ऊपर इतने इतने बचे हुए ये फ्लावर्स से, देखो बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे पास सिबेकस में छह कलर है। ये वाला जो है ये रेड कलर है। अब ये वाला जो है, इसके फ्लावर्स मेरी बेटी ने सुबह सुबह भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़े थे। ये जो है ये पिंक कलर का है। ये जो है ये ऑरेंज कलर का है। ये वाला जो है वो, ये देखो अब ये देख सकते हो इसके फूल कर हमने तोड़े नहीं, जो मुरझा गए थे वो तोड़े नहीं मेरे बच्चे ने। ये देखो ये वाला जो, इसकी भी हाइट बहुत बड़ी हो चुकी है। देखो कितने उसको कलियाँ लग गई है, बहुत अच्छी तरह से कलियाँ आ चुकी है उसको। ये वाला देखो, ये मेरा डबल डबल पाकली का जो मेरा ये हिबैकस है, ये देख सकते हो आप। हाँ, कितना फ्लावर्स, सुबह इसके चार पांच फूल मेरे बेटी ने तोड़े थे भगवान को चढ़ाने के लिए, अभी भी बाकी है एक फूल इसके ऊपर। डबल पाकली वाला हिबैकस रेड कलर का। ये जो है ये गुलाब, स्मॉल रोज, मिनी रोज, देखो इसको कितनी कली आ चुकी है। देखो इसकी कितनी ग्रोथ, बारिश की वजह से बहुत बड़ी ग्रोथ हो चुकी है। इसको भी बहुत फ्लावर्स आते हैं, पांच पांच छह छह फ्लावर्स एक दिन में आते हैं वो। ये देखो ये वाला मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट। ये छोटा सा गमला था मेरे पास, ट्रे था, उस ट्रे में मैंने ये लगाया है पर्पल हार्ट। देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी से हो गई है, देखो आप देख सकते हो। अब ये जो है ये मेरा बनाना ट्री, देखो कितना बहुत बड़ा हो चुका है ये बनाना ट्री। घर में बनाना ट्री रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। माँ लक्ष्मी माँ का और प्रिय उसके विष्णु जी का ये प्लांट से, देखो इसमें तुलसी भी आ चुकी है। ये देखो आप देख सकते हो उसमें तुलसी आ चुकी है, बनाना प्लांट में ही तुलसी आ चुकी है। देखो कितनी ग्रोथ हो चुकी है तुलसी की। और ये जो है ये बनाना प्लांट, देखो
यानी वो माँ लक्ष्मी तुलसी और ये विष्णु जी, देखो कितना अनोखा ये दिख रहा है। इसकी भी बहुत बड़ा हो चुका था, मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। जब हमारे घर में पूजा थी तब उसके पत्ते हमने लिए थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा थी तब, केले के जो पत्ते थे तो वो भगवान की पूजा के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से तोड़ दिए थे। लेकिन अभी भी देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ओके, थैंक यू।